नमस्ते फ्रेंड्स, जयराम जी की लिव सिंपली पर आप सभी का स्वागत है। फिजिकल एक्सरसाइज के नाम पर अगर हमें ऑप्शंस दिए जाएं, तो हम में से ज़्यादातर लोग वॉक को ही चुनेंगे। और क्यों ना हो, बहुत कन्वीनियंट भी है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। पर क्या आप जानते हैं कि वॉक करने का सही तरीका क्या है? आइए देखते हैं। Neck and back straight, posture erect, shoulders stiff and squeezed abs. Happy walking! Walk हमेशा full concentration और focus के साथ करें, इससे आपकी body walk को अच्छा respond करेगी। Correct posture आपको अनचाहे muscular pains से बचाता है। Erect walking आपकी back की life बढ़ाती है। अगर आप walk करते समय distracted और अपने limbs यानी hand movements पे ध्यान नहीं देते, तो आपको सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन या फोर आर्म्स में दर्द हो सकता है, जिससे अगले दिन वॉक करने का मन नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एब्स को टाइटन करके वॉक करें, जिससे आपकी बॉडी इंटैक्ट रहती है और लूज नहीं होती। वॉक करते समय किसी से बात करना, मोबाइल पर स्टेयर करना या बहुत लूज और पुअर पोस्चर में वॉक करना इन इफेक्टिव वे ऑफ वॉकिंग है। जो लोग कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनके लिए वॉक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो वॉक करते समय हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे ब्रीदिंग, हमारा पोस्चर, हमारे टाइमिंग्स, हमने शूज पहने हैं या नहीं। ब्रिस्क वॉक एज गुड एज कार्डियो माना जाता है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो ब्रिस्क वॉक ही कीजिए, मिनिमम 45 मिनट्स तक करिए। फर्स्ट 5 मिनट्स आप अपनी बॉडी को पेस में लाइए, यानी कि स्लो टू मीडियम, मीडियम टू फास्ट में जाइए। जैसे ही आपकी बॉडी पेस पकड़ लेती है, 45 मिनट्स तक उसको ड्रैग करिए। फर्स्ट 20 मिनट्स बॉडी एक्टिव होने में लगाती है और बाकी के 20 मिनट्स वो फैट बर्न करती है। वॉक करते समय किसी से भी बात ना करिए, हो सके तो एंड तक कॉन्स्टेंट स्पीड बनाए रखिए। अपने मसल्स को, कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करके रखिए, टाइटन करके रखिए एंड तक, और फिर देखिए मैजिक। 7 डेज में वो वॉक जो आप रेगुलर करते थे और ये वॉक जो आप अब करेंगे, आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स देगी। तो किन लोगों को ब्रिस्क वॉक नहीं करना चाहिए? जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो ब्रिस्क वॉक बिल्कुल ना करें, अपनी बॉडी को फास्ट पेस में बिल्कुल ना लेके जाएं। और जिन्होंने अपने मील्स अभी लिए हों, उन्हें फास्ट वॉकिंग नहीं करनी चाहिए। वी शुड अवॉइड फास्ट वॉकिंग इमिडिएटली आफ्टर मील्स। फ्रेंड्स, आप इस तरह से वॉक करना ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत इफ़ेक्टिव है आपके थाइस के लिए, आपकी वेस्ट के लिए, आपके फुल बॉडी के लिए। वॉक करने के सही तरीके से आप अपना मनचाहा शेप पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में मेरे नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की। और हाँ, हमारी अगली मुलाकात तक स्वस्थ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सकारात्मक रहिए। हमारी सकारात्मक सोच एक सुरक्षित समाज का निर्माण करेगी। जय राम जी की।